वेलकम बैक टू योर चैनल के पॉप टीवी। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। तो आर्मी, ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि पॉप सेंसेशन BTS फिलहाल मिलिट्री में है, लेकिन उनकी डोमिनेंस और पॉपुलैरिटी का अंदाजा क्या होगा कि अब भी वो हर दिन लगभग न्यूज में बने ही रहते हैं। कुछ मेंबर्स तो अब भी रिकॉर्ड्स शैटर कर रहे हैं, हिस्ट्री पे हिस्ट्री बना रहे हैं, और इसी को लेकर है हमारी आज पहली न्यूज की किस तरह आपके फेवरेट के पॉप आइडल जॉन जंगकुक ने एक बार फिर से हिस्ट्री रच दी है और साबित कर दिया है कि वो क्यों के पॉप लेजेंड है। जी आर्मी, मैं बात कर रहा हूँ कल रात इंडोनेशिया में हुए गोल्डन डिस्क अवार्ड की, जहाँ जंगकुक ने एक बार फिर से बेस्ट एल्बम का अवार्ड अपने नाम कर बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कैटर कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि कल गोल्डन डिस्क अवार्ड में जंगकुक ने 69 सोलो ट्रॉफी अपने नाम की। जी हाँ, BTS आर्मी, जंगकुक के नाम पिछले एक साल में जब से उन्होंने अपना सोलो करियर स्टार्ट किया है अभी तक 69 ट्रॉफीज हो चुकी हैं, यानी कि जंगकुक 69 अवार्ड जीत चुके हैं, और इतने कम टाइम में इतने सारे अवार्ड जीतने वाले शायद वो पहले के पॉप सोलो आर्टिस्ट हैं। और कल जब से जंगकुक ने ये 69th अवार्ड अपने नाम किया है, फैंस उन पर और भी ज्यादा प्राउड कर रहे हैं और उनकी इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बात करें इसके बाद अगली न्यूज की, तो ये भी आपके गोल्डन मैग्नी जॉन जंगकुक को लेकर है, लेकिन ये कोई गुड न्यूज नहीं बल्कि आपको हैरान करने वाली, आपको गुस्सा दिलाने वाली न्यूज है, क्योंकि एक बार फिर से हमारे फैंडम में कुछ टॉक्सिक लोग जंगकुक के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं। BTS मेंबर्स के आपस के बीच की बॉन्डिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बार भी सोशल मीडिया पर ये फाइट हुई है जिमिन और जंगकुक के टॉक्सिक फैंस में, जहां एक तरफ कुछ फैंस जंगकुक पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने किम तेयोंग की उनकी सोलो एल्बम में बिल्कुल भी हेल्प नहीं की और इसीलिए वी की ले ओवर ज्यादा अवार्ड्स नहीं जीत पा रही है। इसके अलावा कुछ प्रोफेसर धूम गदेड़ों ने तो ये तक कहा कि जंगकुक के पास अपना स्टूडियो है, उन्हें म्यूजिक की बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है, और वी ने उनसे हेल्प भी मांगी थी लेकिन जंगकुक ने मना कर दिया, और इसी तरह की काफी कहानियां वायरल कर जंगकुक को हिट देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली हर BTS आर्मी को पता है कि वी और जंगकुक आपस में कई बार लाइव पर इंटरव्यूज में ये बात बता चुके हैं कि जंगकुक वो पहले इंसान थे जिन्होंने किम तेयोंग की एल्बम सुनी थी। इसके अलावा किम तेयोंग ने अपनी रिकॉर्डिंग भी जंगकुक के घर पर की थी, तो आपस में लड़ाई का ये लॉजिक ही नहीं बनता। इसके बाद बात करें अगली न्यूज की, तो ये भी शॉकिंग और थोड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज है, क्योंकि ये है ब्लैकपिंक मेंबर जेनी को लेकर। हुआ कुछ यूं है कि हाल ही में ब्लैकपिंक के कुछ टॉक्सिक फैंस ने BTS के ऊपर, बिगिट के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि पिछले एक साल से जेनी के स्पॉटिफाई पर लिसनर्स बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, हर महीने उनके मिलियंस ऑफ लिसनर्स से, लेकिन इस महीने उनके लिसनर में ड्रॉप आया है और इसके पीछे का कारण है बिगिट ने स्पॉटिफाई को पैसा खिलाया है, इसी वजह से जेनी को नीचे लाया गया है ताकि जेनी BTS का रिकॉर्ड न तोड़े। इस तरह के आरोप बिगिट पर लग रहे हैं और इसीलिए बिगिट ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें कोई सेंस नहीं, क्योंकि दुनिया सबूत पर चलती है, मनगढ़ंत कहानियों पर नहीं। बाकी इन तीनों न्यूज को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।